हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो अगर आप रोज़ रोज़ एक ही तरह की सब्जी खाकर उग गए हैं ना, तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल अलग तरह की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका स्वाद एकदम हटके होगा। ये जितनी जल्दी बनकर तैयार होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी भी लगती है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए फिर फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, आप जो भी अपने घर में यूज करते हैं। और इस सब्जी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत भी नहीं होती है, थोड़े से तेल में ही बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए अभी हम तेल को बहुत अच्छे से कर लेते हैं गरम। और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा ना, हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच हम इसमें राई डालेंगे और राई को थोड़ा सा चटकने देंगे। और उसके बाद हम इसमें 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे, जिसको मंगरेला भी बोला जाता है। और अब इसमें जाएगी कटी हुई हरी मिर्च, जिसको कि मैंने लंबे साइज में कट किया है। आप चाहे तो बारीक बारीक भी कट कर सकते हैं। तो आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च का यूज कर सकते हैं। और साथ ही में अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए प्याज। और प्याज को देखिए मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट किया है, आप चाहे तो इसे लंबे साइज में भी कट कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को एक बार हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च को भी मैंने मोटा मोटा ही कट किया है, आप देख सकते हैं। तो शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। अब इन सारी चीज़ों को हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। अब यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसका हल्का सा कलर चेंज भी हुआ है। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है। अब हम इस स्टेज पर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं, नहीं तो मसाले फिर जल जाएंगे। अब इस सब्जी में कलर लाने के लिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें टमाटर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। और उसके बाद 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला का पाउडर ऐड करेंगे। इस सब्जी को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मसाले का भी यूज नहीं करना है। और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और बस अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ। अगर हम इस स्टेज पर कसूरी मेथी ऐड करेंगे तो मसाले के साथ में ये भी भून जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें बस 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ पर सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम इस स्टेज पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड करेंगे इसमें, जो इस सब्जी को टेस्टी बनाने के साथ साथ इसमें ग्रेवी का भी काम करेगा। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी फेंटी हुई दही। दही को बहुत अच्छे से फेंट लेना है, नहीं तो दही सब्जी में जाकर फट जाएगी। और आप चाहे तो गैस का फ्लेम बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा। और उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे और इसको बहुत तेज़ी से लगातार चलाते हुए हमें मिक्स करना है। अब इस सब्जी को बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हमें बस क्या करना है कि दही को ना थोड़ी देर के लिए पका लेना है। तो इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम दही को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दही को अच्छे से पका लिया है और ये अच्छे से भून गया है और इसकी जो क्वांटिटी है ना, वो भी कम हो गई है, बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, बस यहाँ पर मैं 1 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पानी डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए। और ये लीजिए, ये हमारी दही और प्याज की बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बन करके तैयार हो गई है। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे ना, आप हफ्ते में 2 दिन इसे ज़रूर बनाएंगे। तो अगर आप रोज़ रोज़ एक ही तरह की सब्जी खाकर उब गए हैं ना, तो आप इस तरीके से बनी हुई सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ दही और प्याज से बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे रोटी या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो आप भी दही और प्याज की सब्जी बनाइए और इंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।